बिग बॉस OTT सीजन 3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये सीजन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। पहले ही हफ्ते में पायल मलिक और नीरज गोयत को शो को अलविदा कहना पड़ा। इस बार अनिल कपूर ने पहले ही ये बता दिया था कि इस शो में वो सब कुछ होगा जो दर्शकों को पहले किसी सीजन में देखने को नहीं मिला है। घर में जहां कंटेस्टेंट को मोबाइल फोन दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के बीच में से एक को बाहर वाला बनाया गया है, जिसका फैसला शो में किसी भी पल ट्विस्ट लेकर आ जाता है। अब हाल ही में बाहर वाले के फैसले ने एक और कंटेस्टेंट के विनर बनने के सपने को चूर चूर कर दिया है। जी हां, दूसरे हफ्ते के मिडवीक में ही पौलमी दास को एविक्ट कर दिया गया है। इस बार घर से बेघर होने के लिए जो सदस्य नॉमिनेट हैं, उनमें विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, चंद्रिका, मुनीषा, पौलमी दास और नेजी का नाम शामिल था। इनमें से पौलमी पहले ही घर से बेघर हो चुकी है, जिसके बाद चांसेस ये हैं कि इस हफ्ते भी डबल एविक्शन हो सकता है। वहीं पौलमी दास के एविक्ट होने पर लोगों का रिएक्शन भी सामने आने लगा है। एक यूजर ने कहा, पौलमी अनफेयर एविक्शन था सच में। वहीं एक यूजर ने कहा, लव भाई कुछ तो दिमाग लगाओ। तो वहीं एक यूजर ने कहा, मूषा को निकालना चाहिए। वेल, पौलमी दास के एविक्शन पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।